नमस्कार प्रणाम, आप है चंद्रा के साथ और इस सोशल मीडिया ट्रेंड्स में हम बातें करेंगे सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया का दौर है और इस पर ट्रेंड चीज़ें अक्सर होते रहती है, तो आज क्या ट्रेंड कर रहा है इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम ट्विटर किस क्या हैशटैग चल रहा है और साथ ही गूगल पे सबसे ज़्यादा क्या सर्च किया जा रहा है। तो गूगल पे आज सबसे ज़्यादा जो सर्च किया गया है वो है हनुमान जयंती 2021 और उसका कारण है तेलुगु पंचांग के अनुसार आज दक्षिण भारत के कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हनुमान जयंती का पर्व मनाया जाता है। देश में अलग अलग दिनों में अलग अलग जगहों पे हनुमान जयंती मनाई जाती है। तमिलनाडु और केरल में दिसंबर और महाराष्ट्र में चैत्र की पूर्णिमा पर हनुमान जयंती का पर्व मनाया जाता है। अधिकतर राज्यों में हनुमान जयंती अप्रैल के महीने में आती है। इस दिन हनुमान जी के साथ भगवान राम की भी पूजा की जाती है। दूसरे नंबर पे हैं तमिल की बेहद ही खूबसूरत अदाकारा प्रिया मणि। प्रिया मणि, आज उनका जन्मदिन है और इसी कारण वो आज खूब चर्चा का विषय बनी हुई है। आपको बता दें, प्रिया मणि बॉलीवुड के जाने माने अभिनेत्री विद्या बालान की कजन सिस्टर भी हैं। आप प्रिया मणि को द फैमिली मैन की सीरीज में देख सकते हैं। पहली सीरीज में भी ये थी और दूसरी सीरीज में भी आप इन्हें देख सकते हैं। ये आपको मनोज वाजपेयी के पत्नी के किरदार में दिख जाएंगे। तीसरे नंबर पे आज ट्रेंड कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं, वो है इंग्लैंड के बेहद ही जाने माने क्रिकेटर बेन स्टॉक। बेन स्टॉक, आपको बता दूं, आज उनका जन्मदिन है, इसी कारण वो चर्चा का विषय बने हुए हैं। बेन स्टॉक वही खिलाड़ी हैं जो कभी ट्वीट करके पूछे थे कि आखिर विराट कोहली खेल के मैदान पे इनका नाम सबसे ज़्यादा अक्सर क्यों लिया करते हैं। और उसके बाद जो ट्रेंड कर रहे हैं वो है फ्लाइंग सिख कहे जाने वाले दिग्गज धावक मिल्खा सिंह जी। वो दोबारा अस्पताल में भर्ती हो गए हैं कोरोना के कारण, जिस कारण उनके बचने के लिए लोगों की दुआ कर रहे हैं। लोगों के दुआ के कारण ये चर्चा का विषय बने हुए हैं और हमारी भी दुआ है कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। मिल्खा सिंह के बाद चर्चा का विषय आज है नीति आयोग। जी हाँ, नीति आयोग चर्चा का विषय है क्योंकि उनके SDG लिस्ट में उन्होंने अपने राज्य के कौन टॉप पे है और कौन सबसे नीचे है उसके बारे में बताया है। आपको भी मैं बता दूं कि केरल सबसे टॉप पे है और बिहार की स्थिति बहुत ही ख़राब है। वो सबसे नीचे है, यानी कह सकते हैं आप कि वो नीचे से टॉप पे है। ये तो हो गई गूगल ट्रेंड्स की बात, गूगल की बात, गूगल पर क्या सर्च किया गया। अब आते हैं ये नीली चिड़िया कहे जाने वाले ट्विटर पे क्या हैशटैग चल रहा है। ट्विटर पे सबसे ज़्यादा हैशटैग किया गया, जो कि अभी हैशटैग में नहीं है लेकिन है बहुत ही दिलचस्प शब्द और दिलचस्प विषय भी है, वो है मैरिज। बहुत सारे लोग मैरिज पे अपनी अपनी राय दे रहे थे, जिस कारण वो कुछ वक्त तक के लिए ट्विटर पे ट्रेंड पे रहा, हैशटैग मैरिज ट्रेंड पे रहा। कुछ लोग कहे कि यह इंटरकास्ट मैरिज अच्छा है, कुछ मैरिज, अपनी अपने अनुसार के अपने अपने तरीके से लोग अपनी अपनी राय दे रहे थे, जिस कारण कुछ वक्त के लिए मैरिज भी ट्रेंड पे रहा, हैशटैग मैरिज। और अभी जो बात करते हैं वो सबसे ज़्यादा इस वक्त तक ट्रेंड कर रहा है, वो है NoCAA। हैशटैग NoCAA एक बार फिर से ट्रेंड आ गया है और क्या कारण है वो आप पहले भी जानते हैं, तो ज़रूरी नहीं है इस विषय पे ज़्यादा चर्चा करना। अगला ट्रेंड जो कर रहा है हैशटैग मेड ट्विटर इज मैड भी धड़ल्ले से ट्रेंड कर रहा है और इसके साथ साथ कई सारे मीम्स भी बन रहे हैं, वो भी बहुत खूब आपको हंसाएंगे भी, कुछ ह्यूमर भी क्रिएट करेंगे, क्योंकि ये डॉक्टरों को लेकर बना हुआ है। कुछ अलग तरह के मीम बना रहे, कुछ लोग अलग तरह के मीम बना रहे। अब जनाब, प्रशांत नील का जन्मदिन हो और KGF ट्रेंड पे ना रहे, ये कैसे संभव है। तो इसी कारण KGF चैप्टर 2 ट्रेंड कर रहा है। जी हाँ, प्रशांत नील वही इंसान है जो यश सुपरस्टार यश के इस अंदाज में, जो उनको फैंस इतना पसंद कर रहे हैं KGF चैप्टर 1 में, उस अंदाज में उनका सबसे बड़ा हाथ था, क्योंकि KGF के डायरेक्टर हैं प्रशांत नील। आज उनका जन्मदिन है, हमारे तरफ से उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और जल्द ही हम KGF 2 सिनेमाघरों में देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आज इतना ही चीज़ें सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रही थी, कल क्या ट्रेंड करती है वो भी हम लेकर आएंगे। रोज़ आप बने रहें हमारे चैनल के साथ। अगर आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, ताकि डेली हम नई ट्रेंडिंग चीज़ों को आपके सामने ला सकें। धन्यवाद।